ये आपका सेकेंड पार्ट है क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 6 का। अगर आपने पहला इसका पार्ट नहीं देखा है तो आप जा करके जो सर्वोदय गुरु का या गुरुकुल का लोगो यहाँ पे दिख रहा होगा उस पर आप क्लिक करेंगे लोगो पे, तो आपका प्ले इस प्रकार से यहाँ पे प्लेलिस्ट लिख के निकल के आएगा। यहाँ पर होम रहेगा, यहाँ पर वीडियो, इसके बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे सभी क्लास के क्लास 6, 7, 8 का साइंस हिंदी का जो वहाँ पे प्लेलिस्ट बना होगा। तो इसी प्रकार आपका 8वीं का भी प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें लिखा होगा क्लास 8 साइंस। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी चैप्टर अब तक कराए गए हैं, टोटल 5 चैप्टर और ये आपका 6ठा चैप्टर है, तो सबका वीडियो आपको वहाँ पर मिल पाएगा। तो उसमें हर पार्ट को आपको हर पार्ट का वीडियो दिया गया है, वहाँ से आसानी से आप इस वीडियो को देख सकेंगे और जो लास्ट वाला वीडियो उसको भी देख सकेंगे। इसके आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। आगे से प्रश्न नंबर 5 है आपका, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं। तो कोशिका का कौन सा ऐसा भाग है जिसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। तो उत्तर लिखेंगे जो जीव द्रव्य कला होता है ना उसमें आपका कोशिकांग पाया जाता है। जीव द्रव्य कला जो है उसके अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, प्रतिभाजी ऊतक की 2 विशेषताएँ बताएँ, ये कहाँ पाई जाती हैं। जो प्रतिभाजी ऊतक होता है उसकी 2 विशेषताएँ बतानी है और ये कहाँ पाई जाती हैं इसके बारे में भी हमें बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे प्रतिभाजी ऊतक की विशेषताएं, विभोज्योतक ऊतिका की कोशिकाएं समान व्यास वाली होती हैं जिनका आकार आयताकार या बहुभुजी होता है। तो विभोज्योतक ऊतका जो ऊतक होती हैं, ऊतक की कोशिकाएं होती हैं उनकी जो व्यास होती है, व्यास किसे कहते हैं, जो हमारा सर्कल होता है यानी कि जो हमारा गोला होता है उसके एक परिधि से दूसरे परिधि के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, जो कि हमारा केंद्र सर होकर के जाए तो इसको हम बोलेंगे व्यास। यानी जो व्यास होती है उनकी जो कोशिकाओं की जो व्यास होती है किस प्रकार की होती है, समान आकार की होती हैं, आयताकार या बहुभुजी भी हो सकती हैं। सेकेंड पॉइंट है, इन कोशिकाओं का जो केंद्रक होता है बड़ा होता है, जीव द्रव्य सघन तथा इसमें रिक्तियां अनुपस्थित रहती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखेंगे प्याज, तो आपका जो प्याज होता है कहीं ना कहीं इनकी जो कोशिकाओं का केंद्रक जो होता है काफ़ी बड़ा होता है। जीव द्रव्य जो होते हैं इसमें जो पाए जाते हैं कहीं ना कहीं वो सघन होते हैं और इनकी जो रिक्तियाँ होती हैं, जो खाली स्थान होता है वो कैसा होता है, अनुपस्थित होता है। इसके बारे में आप याद कर लेंगे। ये पौधों के रूपक टिप, सू टिप और कैबियम में पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं, पौधों के रूपट टिप में और सू टिप में, ये कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 7, किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके कार्य लिखिए। तो हमारे हमने बताया तो ग्रंथियाँ हमारी 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, एक होती है अंतःस्रावी, एक होती है बाह्यस्रावी और एक आपका होती है मिश्रित, यानी कि मिश्रित ग्लैंड यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड। ग्रंथियों को इंग्लिश बोलते हैं ग्लैंड, ठीक है। तो हमें बात करनी है किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में तथा उनके कार्यों को भी हमें लिखना है। उत्तर में लिखेंगे 2 अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित हैं। पहली तो पीयूष ग्रंथि, इसका कार्य क्या है, ये आपकी पीयूष ग्रंथि पहली ग्रंथि हो गई पीयूष ग्रंथि, और उसका कार्य इस प्रकार से है, ये क्या करता है, शरीर में वृद्धि करता है, इसकी कमी से वृद्धि रुक जाती है। अगर ये हमारे इसकी कमी हो जाती है हमारे शरीर में, कहीं ना कहीं हमारे शरीर की जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, वो रुक जाती है। और पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है थायराइड ग्रंथि, ये क्या है, सभी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। तो थायराइड ग्रंथि का कार्य क्या है, ये हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसकी कमी से घेगा रोग हो जाता है। जो हमारे शरीर की उपापचय वाली क्रियाएँ होती हैं कहीं ना कहीं उसको नियंत्रित करता है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो जो आपका आयोडीन के नहीं कहते हैं आयोडीन की वजह से घेगा रोग हो जाता है, तो अगर आयोडीन कमी होती है तो थायराइड के कारण आपकी गले में पाई जाती है, ग्लैंड जो होती है आपकी गले में पाई जाती है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको जैसे घेगा जैसे मतलब वहाँ पर गला आपका फूल जाता है, सूज जाता है और घेगा रोग जैसी बीमारी हो सकती है इसकी वजह से, इसकी कमी की वजह से। इसलिए आप आयोडीन बराबर मात्रा में लेते रहेंगे तो कभी भी ये कमी नहीं होगी। तो
तो आपने दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम देखे, एक तो पीयूष ग्रंथि जिसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, जबकि दूसरी ग्रंथि आपकी थायराइड ग्रंथि। प्रश्न नंबर 8, पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो आइए देखते हैं पादप तथा जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर होते हैं। एक तरफ हम डाल लेंगे पादप कोशिका, जबकि दूसरे में डाल लेंगे जंतु कोशिका। क्रम संख्या 1 से 5 तक, कोशिका भित्ति, जो पादप कोशिका होते हैं उनके बीच में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये बताइए कि कोशिका भित्ति जंतुओं में पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, या कि पादप यानी पेड़ पौधों में पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है। तो ये जो होता है कोशिका भित्ति होती है किस में पाई जाती है, सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जबकि जो आपकी जंतु कोशिकाएँ होती हैं उनके अंदर ये अनुपस्थित रहता है, इसमें नहीं पाई जाती हैं। हरित लवक की बात करते हैं तो जो क्लोरोफिल होता है जिनके कारण हमारी पत्तियाँ हरी दिखाई देती हैं, तो ये पादप कोशिका में पाई जाती हैं, जबकि जो हमारे जंतु कोशिका होते हैं उनके अंतर्गत नहीं पाई जाती हैं। तीसरा पॉइंट है सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं। जो सेंट्रोसोम होते हैं वो कहीं ना कहीं पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, जबकि सेंट्रोसोम जो जंतु कोशिका होती है उसके अंदर पाया जाता है। रिक्तियाँ बड़ी तथा संख्या में एक होती हैं। जो पादप कोशिका होती है उनकी रिक्तियाँ जो होती है बड़ी होती हैं, जबकि उनकी संख्या एक होती है। अगर जंतु कोशिका की बात करते हैं तो जंतु कोशिका में रिक्तियाँ जो होती हैं छोटी संख्या में होती हैं, संख्या इनकी जो होती है अधिक होती हैं। इनकी साइज जो छोटी होती है परंतु इनका जो संख्या होती है तो वो अधिक मात्रा में होता है। पॉइंट नंबर 5 है केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है। जो केंद्रक होता है कहीं ना कहीं परिधि के ओर हो सकता है। तो परिधि किसे कहते हैं, जो हमारा सर्कल होता है ये हमारा जो किनारे किनारे भाग होता है उसको हम परिधि बोलते हैं। तो अब जो केंद्रक जो पाया जाता है कहीं ना कहीं आपके परिधि के आसपास हो सकता है, और अधिकांश जंतु कोशिका में केंद्रक जहाँ पे होता है मध्य में पाया जाता है। जो जंतु कोशिका होती है उसका जो केंद्रक कहाँ पाया जाता है, अक्सर सेंटर में पाया जाता है यानी कि बीच में पाया जाता है, जबकि आपके जो पादप कोशिका होती है उनकी जो केंद्रक होता है कहीं ना कहीं ये देखिए आप दिख रहा है इस प्रकार से खाली स्थान है, वो कहाँ पाया जाता है, वो थोड़ा सा परिधि के आसपास पाया जाता है। तो ये सब पॉइंट्स हैं आपके, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको याद भी कर लेंगे। प्रश्न नंबर नौ दिया गया है, केवल चित्रों के माध्यम से रेखित तथा अरेखित पेशी ऊतक स्पष्ट कीजिए। तो हमें चित्र के माध्यम से रेखित तथा अरेखित पेशी ऊतक के बारे में अंतर स्पष्ट करना है। तो पहले हम डालेंगे उत्तर में एक तरफ डालेंगे रेखित, जबकि दूसरी तरफ डालेंगे अरेखित। तो ये अगर हम चित्र के माध्यम से बात करते हैं तो इसका जो दीर्घ बेलनाकार तथा आशाखित होता है, जो रेखित होते हैं कैसे होते हैं, इनकी चित्र कैसा होता है, ये दीर्घ होते हैं, बेलनाकार होते हैं, बेलन जैसा आकार होता है इस प्रकार से, तथा आशाखित होता है, ये छोटी तुरकाकार तथा नुकीली होती है। जैसे कि आपका शंकु होता है तुरके आकार का यानी छोटी होती है और नुकीली होती हैं आरेखित वाली। अगर रेखित की बात करते हैं तो बहुकेंद्री परिधि केंद्रक होती है, यानी कि जो बहुकेंद्री की बात करते हैं तो परिधि केंद्रक यानी कि आपका जैसे मतलब सर्कल है तो कहीं ना कहीं जो केंद्रक होगा कहीं ना कहीं कहाँ पाया जाएगा, बहुत ढेर सारे पाए जाएंगे, और कहाँ पर पाए जाएंगे, ज़्यादातर केंद्रक के आसपास परिधि के आसपास पाए जाएंगे, परिधि केंद्रक यानी परिधि के केंद्र में होती हैं, केंद्र के आसपास होती हैं। एक केंद्रीय तथा केंद्रीय बीच में स्थापित होता है। जो आरेखित होती हैं वो एक केंद्रीय होती हैं, जबकि जो केंद्र होता है कहाँ पे पाया जाता है, आपका सेंटर यानी कि बीच में स्थापित होता है। गहरे तथा हल्के रंग की पटिकाएँ होती हैं और आरेखित में पटिकाएँ नहीं होती हैं। रेखी में ऐच्छिक संकुचन तेजी से थोड़े समय के लिए जल्दी थकान महसूस करती हैं। जो रेखित होती हैं उसमें कहीं ना कहीं जो ऐच्छिक संकुचन होता है तेजी से होता है और थोड़े समय के लिए होता है और जल्दी ये थकान महसूस करने लगती हैं, जबकि अरेखित में संकुचन धीरे धीरे होता है परंतु लंबे काल तक होता है एवं पेशियों को थकान का अनुभव नहीं होता। तो जो कोई भी काम का अगर धीरे धीरे करते हैं आसानी से करते हैं तो काफ़ी टाइम तक उस काम को आप कर सकते हैं, पर अगर आप किसी काम को जल्दी से करना चाहेंगे बहुत जल्दी से ख़त्म करना चाहेंगे तो आप जल्दी उससे थकान महसूस करने लगेंगे, काम तो हो जाना है लेकिन थकान महसूस ज़्यादा करने लगते हैं। तो ये रेखित और अरेखित में यह दोनों अंतर होते हैं। पॉइंट नंबर 5 है कंकाल से जुड़ी होती हैं, जैसे कि सिर हाथ पैर जीभ। ये जो रेखित कोशिकाएँ पेशियाँ होती हैं आपकी किससे जुड़ी होती हैं, आपके कंकाल से जुड़ी होती हैं, जैसे कि आपके सिर से हाथ से और पैर से और जीभ से।
ये जो होती हैं आरेखित वाली होती हैं, ये शरीर के अंग, शरीर में अंगों की दीवार में पाई जाती है। जो शरीर के अंग होते हैं उनकी दीवारों में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 10 और लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। यहाँ पे आपको पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है, यानी चित्र बनाकर उसके नाम भी लिखने हैं। यहाँ पे आपको सही नहीं दिख रहा था उसका एक दूसरा यहाँ पे फिगर हम दिखा दे रहे हैं, इसको आप बना सकते हैं अपनी कॉपी में। तो ये आपकी पादप कोशिका है, हमने कोशिका के बारे में बताया था। तो ये पादप कोशिका है जिसमें उसके हर चीज़ के बारे में दिया गया है, रिक्तियाँ दी गई हैं, रिक्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं। हरित लवक कोशिका, कोशिका भित्ति, केंद्रक, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम है, माइटोकांड्रिया है, कोशिका झिल्ली है, रिक्तियाँ हैं। सब बहुत सभी जितने भी पे पॉइंट है सब कुछ दिए गए हैं, आप इसको बना लेंगे। आपकी केंद्रक यहाँ पे पाया जाता आप दिख रहे हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से रिक्तियाँ कहाँ पे पाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं जो आपका जो परिधि है, आपका परिधि बन रही है ना, परिधि के आसपास होती हैं, तो आपको दिख रहा है रिक्तियाँ, कई रिक्तियाँ हो सकती है इसमें। कोशिका आपकी गोलकी, ये आपके जो इस प्रकार से चित्र बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं क्या है, इसका नाम है गाल्जी काय। तो गाल्जी काय अंतः प्रद्रवी जलिका यहाँ पे पाई जाती है। हरित लवक यहाँ पे है, भित्ती है आपकी, तो इसके बारे में आप लिख लेंगे और इसको नोट भी कर लेंगे। माइटोकांड्रिया आपको कोशिका के लिए ऊर्जा यानी प्रदान करने वाला होता है, इसे माइटोकांड्रिया आपका यहाँ पे है जो कोशिका को ऊर्जा देता है, कौन देता है, माइटोकांड्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई माइटोकांड्रिया का बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप पूरा एक जो यहाँ पे पादप कोशिका का है इसका चित्र बना लेंगे, उसके सभी के नाम याद कर लेंगे। जितने भी यहाँ पे प्रश्न कराए गए हैं अपनी कॉपी में आप नोट कर लेंगे, खास करके ये जो आपका फिगर है इसको जरूर आप नोट करेंगे, इसको बना लेंगे। जो पादप कोशिका का चित्र यहाँ पे चित्र दिया गया है इसको अपनी कॉपी में कम से कम 3 या 4 बार ड्रॉ करेंगे, और हर पॉइंट को यहाँ पे जो दिया गया है हर पॉइंट को आप लिखेंगे ज़रूर। आसान सा फिगर है, आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे, और बेल आइकन जो है इसको आप दबा देंगे जिससे हम अगला वीडियो आपको कभी भी आप जब भी अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाएगा, और आसानी से आप उस चैप्टर के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर हाँ, और किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं, सर जी ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा उसको 1-2 दिन के अंदर में स्टार्ट कर दूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।